हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रिकेट्स में आपका। फ्रेंड्स, आरपीएफ ट्रेड्समैन परीक्षा एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिए। फ्रेंड्स, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, फ्रेंड्स अभी देखिए, आज 31 मार्च है, 31 मार्च का पेपर होने वाला है। जितने भी जैसे जैसे पेपर होगा सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, सभी का शिफ्ट होगा, हर एक शिफ्ट का आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन, नए वीडियो के न्यूज़ आए सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, 1 अप्रैल का देखिए, कल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आपका अप्रैल फूल बनेगा। तो वैसे तो आप अप्रैल फूल सभी को बनाते हो, लेकिन कल जो बहुत ही बड़ा वीडियो मैं लेके आ गया हूँ फ्रेंड्स, लूसेंट का, कम से कम देखिए फ्रेंड्स इसमें 200 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस में। फ्रेंड्स, मानता हूँ जीके जीएस के क्वेश्चंस को आप बहुत ज़्यादा करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स उसमें आ जाएगा। तो फटाफट देर ना करते हुए हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और मेरे एक भाई ने कहा था कि सर आप थोड़ा धीरे क्वेश्चन कराइए, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा धीरे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस लूसेंट्स के जो बार बार आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वही मैं क्वेश्चंस कराऊँगा फ्रेंड्स आपको, 200+ क्वेश्चंस कराऊँगा फ्रेंड्स। ये 1000 क्वेश्चन का सेट है, लास्ट में वीडियो के एंड में जब 5 सेट इसका लगा दूंगा, आज ही दिन 1 से 2 सेट इसमें प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपको 400 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और लास्ट में फ्रेंड्स जैसे ही इसका सेट पूरा ख़त्म होगा, आपको वीडियो के एंड में आपका इसका पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगा। तो फटाफट देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप, क्वेश्चन आ चुका है, फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका बोधगया में भगवान बुद्ध की प्राप्ति हुई थी ज्ञान की। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी जो है ना, पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सर्वप्रथम सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इंसुलिन का प्रयोग ज़्यादातर मधुमेह की बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है इसका। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक थे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो कागज का आविष्कार चीन देश में सर्वप्रथम हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। देखिए फ्रेंड्स, जो बार बार बारी बारी आरपीएफ के एग्जाम्स में पूछा जाता है, मैं वही लेके आया हूँ फ्रेंड्स, तो ज़्यादातर इसको शेयर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति खुद होते हैं। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है फ्रेंड्स? तो रतौंधी जो है ना विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम भगत सिंह ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहां हुआ है? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ है। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह द्वारा की गई है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो बंगाल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है? तो संतोष यादव जी हो जाएंगी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन रॉय द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया है।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई है। वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था, ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये जयपुर में स्थित है। आपको याद होगा फ्रेंड्स कि हवा महल कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आरपीएफ एंड ट्रेड्समैन के एग्जाम में। आपसे एक छोटी सी विनती होगी फ्रेंड्स कि वीडियो को शेयर ज़्यादा करिएगा और लाइक करते रहिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का मुख्य प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो बैसाखी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि का नाम क्या है, तो विजय घाट दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम। महाभारत के रचयिता कौन है फ्रेंड्स, तो महाभारत के रचयिता हो जाएंगे महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स, तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखी गई है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो सर्वप्रथम तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है, सूर्योदय का देश का नाम देखिए जापान देश जो है ना सूर्योदय के देश के नाम से प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ग्रह जो है ना सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, तो आम हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो ये आपका बरगद हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा बरगद को ही हम लोग बनियान ट्री के नाम से जानते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है बनियान ट्री, ठीक, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है फ्रेंड्स, ये अनुपात को ध्यान दीजिएगा, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत कौन सा है, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दो अलग चीज़ हैं, इसको कन्फ्यूज मत होइएगा। राष्ट्रगान जो है ना रविंद्रनाथ टैगोर जी को द्वारा लिखा गया है, राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी सेकंड होती है, तो फ्रेंड्स 52 सेकंड होती है राष्ट्रगान गाने की अवधि। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, तो हेनरी बैकरेल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो हृदय से है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो हीरा सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था सर्वप्रथम, तो गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, तो राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, बम्बई जो वर्तमान में मुंबई है वहाँ से थाने तक चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी, तो कोलकाता शहर में आरंभ की गई थी। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 सन में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 ईस्वी में इन्होंने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में, हॉलैंड में, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 में। ओलंपिक खेल का एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल में की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह नस्ल की भैंस प्रसिद्ध होती है। प्रसिद्ध शीतला मतलब मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में है। विशाल हरियाणा पार्टी किसके द्वारा बनाई गई? तो राव वीरेंद्र सिंह द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 किलोमीटर है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री मैंने बताया पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है? तो चीन की जो स्थल सीमा है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य का किस राज्य में है? तो असम में है। पृथ्वी हमारी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो सिप्रंग नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक होती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये लोकमान्य तिलक ने कहा था। देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी बोली में लिखी गई है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस जो है ना हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई है? तो एथेंस यूनान में 1896 में हुई है। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? किस खेल में उन्होंने हॉकी में भारत ने 8 बार जीता है स्वर्ण पदक। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो लुसान स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। ठीक है ना, ऐसे याद करिएगा फ्रेंड्स, ओलंपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो इसलिए मैं लेके आ गया हूँ ओलंपिक के क्वेश्चंस, तो याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा ताकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो देखिए माइकल फेल्प्स। ये क्वेश्चन पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे। सॉरी फ्रेंड्स, सर्दी कुछ ज़्यादा हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। ठीक है, और मैंने बताया कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो टोक्यो जापान में। चलिए, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में। ओलंपिक खेलों में
पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मलेश्वरी। याद रहे फ्रेंड्स, बार बार क्वेश्चन पूछता है इसका। वेक टू वेदास, बैक टू द वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने, सरस्वती ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं से मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे को रक्त से फिल्टर किया जाता है, ठीक है ना। गुर्दा जो है यही अंग है जिसको यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को, इनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्ला खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वाद्य यंत्र में विख्यात रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। कल क्वेश्चन आया था इसका फ्रेंड्स। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला प्रथम महिला कौन सी है? तो जापान की जुनको तबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? फ्रेंड्स पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। आंसर खनिज घटक क्या है पूछा है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है फ्रेंड्स? तो ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ाया? तो जेम्स प्रिंसेप ने। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु के इनके प्रभाव से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर जो है ना अशिक्षित थे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास ने की थी। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई है? तो 1951 में। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय से अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय से। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता? तो ब्लड ग्रुप ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? फ्रेंड्स 206 हड्डियाँ होती हैं। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनफेलिस मच्छर काटने से कौन सा रोग होता है? तो फ्रेंड्स मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेंड्स अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया है। प्रकाश की गति कितनी होती है फ्रेंड्स? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स अमृतसर में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ये मुंबई में। फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये दोनों अलग हैं। यहाँ पर आप नीचे में देख सकते हो फ्रेंड्स, इंडिया गेट नई दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ताजमहल कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? तो आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, सेम क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये इसका नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसका नारा रामप्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने? स्वामी विवेकानंद ने।
महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी की को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फिल्म का भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताया तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है भारत का शेक्सपियर। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो फ्रेंड्स यूरी गागरिन रूस के थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और उसे कब जोड़ा गया? आर्यभट्ट है पहला उपग्रह भारतीय उपग्रह और इसको 1975 में जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन थे? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। फ्रेंड्स ये 200 प्रश्न हैं जो आपको नेक्स्ट एग्जाम जो 1 अप्रैल को होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये क्वेश्चंस। तो इसको रट लीजिएगा, इसको ज़्यादातर शेयर करिएगा। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी और भी क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी मिल सकें। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से क्वेश्चन था और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और अगर वीडियो में आप नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियो बहुत सारे नए नए वीडियो लूसेंट के आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और RPF ट्रीटमेंट की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।